The increase in exercise, foreign travel and outdoor activities that summer brings with it can be very beneficial to our health, but at the same time it can spell trouble for our skin. With blazing heat and searing temperatures, the body's first defense organ, the skin, takes the onslaught of the scorching sun rays. The skin is one part or one organ of the body that is adversely affected by the external weather conditions. Factors such as temperature, humidity, and the intensity of sunlight can determine the health of our skin. गर्मी की ke के साथ साथ हमारी outdoor activities काफी बढ़ जाती हैं। बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो हम उन्हें घुमाने फिराने बाहर लेके picnic बीच की तरफ हम लेके जाते हैं कभी उन्हें पार्क्स की तरफ लेके जाते हैं कभी कैंपिंग ट्रिप्स बाइक बाइकिंग और स्विमिंग के लिए उन्हें लेके जाते हैं उसके साथ साथ फैमिलीज़ के साथ कभी करीबी और कभी दूर दराज इलाकों का सफ़र भी होता है फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के ट्रिप्स लगाते हैं जिसमें ज़्यादातर एरियाज शॉपिंग के अनकवर्ड रहते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा सन की तरफ एक्सपोज्ड हो जाती है अब ऑल दीज एक्टिविटीज़ इनका हमारी सेहत पर एक बहुत ही अच्छा असर होता है लेकिन हमारी स्किन को अनफॉर्चुनेटली समर्स के दौरान तरह तरह की परेशानियों से गुज़रना पड़ता है हम हो सकता है कि अपनी स्किन का बहुत ख्याल रख रहे हों हम उसे सही तरह साफ़ रख रहे हों उसे क्लेंस्ड कर रहे हों उसे मॉइस्चराइज और टोन रख रहे हों और हो सकता है कि धूप से बचने के लिए हम एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन या सन प्रोटेक्शन सन ब्लॉक भी लगा रहे हों लेकिन अगर एक दिन पानी कम पी लिया या ऐसी खुराक की मकदार ज़्यादा कर ली जो कि गर्माइश ज़्यादा रखती हो उसकी कैफियत गर्माइश की ज्यादा हो फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स नट्स रेड मीट मैंगोस एसेट्रा तो उसके असरा हमारी स्किन पर दिखना शुरू हो जाते हैं तो ड्यूरिंग समर्स हम अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें द डूज एंड द डोंट्स किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए किन आदतों को अपनाना चाहिए और किन आदतों से गुरेज करना चाहिए अपनी स्किन को अच्छी तरह समझने के लिए आज मैं दावत दूंगी मेरी गेस्ट गुल को असल गुल वालेक बस बिल्कुल ठीक ठाक आप खुद सुनाए क्या हाल है आपका बहुत अच्छा ठीक ठाक हो फर्स्ट क्लास हो टिप टॉप <laughs> सबसे पहले तो आपको स्प्रिंग और समर का ये मौसम मुबारक हो गॉन गर द डेज वन इट यूज़ टू बी ग्लूमी दो बजे या तीन बजे जो कि लेट आफ्टरनून का टाइम होता है रात हो जाती थी इट यूज़ टू बी क्वाइट ग्लूमी आप सबसे पहले गुल मुझे ये बताइए कि समर्स के दौरान हमारी स्किन को इतनी परेशानियों का शिकार क्यों होना पड़ता है क्योंकि अगर आप देखें तो हमारी स्किन यानी एशियन स्किन जो है इट इज़ अडाप्टिड टू द हॉट वैदर कंडीशन द स्कॉचिंग सन रेज लेकिन फिर भी हमारी स्किन को मुख्तफ मसलों से गुजरना पड़ता है ये क्यों वो ये बात है कि जैसे आप देखें इसमें सिर्फ वेदर ही मतलब हमें नहीं आ, अफेक्ट करता उसमें और बहुत सी चीज़ें हैं हमें पानी अगर हम उसकी एक मकदार है जैसे कि आठ ग्लास हमें हर रोज़ पीने चाहिए पानी के हम जो जूस वगैरह जो है उनसे परहेज़ करें चॉकलेट मीठी चीज़ें जितनी भी हैं हम अगर अवॉइड करें नहीं खाएं उनको तो मेरे ख़्याल में स्किन जो है ना उसको अच्छी तरह क्लीन करें सुबह को उठ के कलेंस करें उसके बाद शाम को सोने से पहले आप उसको क्लेंस करें और सबसे बड़ा इसमें यह है कि हमारा नींद का भी बहुत बड़ा इसमें आप कह सकते हैं कि नींद जो है अगर हमारी नींद भी प्रॉपर ना ली गई हो तो हम सुबह को बड़े थके थके होंगे हमारा चेहरा बहुत ऐसे डल होगा कोई उसमें चमक नहीं होगी शाइन नहीं होगी फ्रेश नहीं लुक कर रहे होंगे हम तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपनी रूटीन में लाना बहुत ज़रूरी है और कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें जिनसे हमें परहेज़ करना भी बहुत ज़रूरी है कुल समर्स के दौरान हम सबको एक कॉमन शिकायत होती है और वो है स्किन पिंपल्स या एक्नी की जो कि हमारे फेशियल रीजन्स पर काफ़ी ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट हो जाती है uh, बहुत परेशान रहते हैं हम इस सब से आपके ख्याल में या आपकी नज़र में कौन सा फैक्टर है विच प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस एक्नी इज़ इट हमारी डाइट की वजह से क्या हम ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं जिसको हमें नहीं खाना या पीना चाहिए क्या हम आ, ऐसी क्लेंजिंग का हमारा जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं है ऐसी क्रीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर आर स्किन टाइप या हम सन की तरफ हमारी स्किन बहुत एक्सपोज है तो इसमें कौन सी वजह है जो बहुत ही एक बड़ा किरदार अदा करती है हमारी स्किन पर एक्टि या पिंपल्स बनाने में मुबीन इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो आ, मतलब बहुत बड़ा करदार कर अदा कर रही हैं एक तो हम अपनी स्किन को जो है वो सन से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए दूसरा हम जो खुराक है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और तीसरा जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि अपनी स्किन की लुकआफ्ट करनी चाहिए जो एक्न की बात आप कर रही हो मुझे भी कई कॉल्स आई हैं उन्होंने कहा है कि आप हमें प्लीज़ बताएं एक्निक के बारे में हमारे चेहरे पे बहुत स्पॉट्स निकलते हैं छाइयाँ सी पड़ जाती हैं लेकिन मैंने उनको यही कहा है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करें उसकी जो सन रेस है वो अब हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है हम जो ही जब ये समर जो है स्टार्ट होता है तो आप मेरे ख़्याल में आपको भी पता होगा कि स्कूल से लेटर वगैरह बच्चों को देने शुरू कर देते हैं कि भाई हैड पैक के आए अपनी स्किन पे वो एस पी एफ क्रीम लगा के आएँ अगर हो सके तो आप छोटी सी बॉटल बड़ी प्यारी सी होती है बच्चों की आजकल बनी हुई आप देखें तो उनके बैग में हम रख देते हैं कि बेटा ये जब आप बाहर वहाँ पर खेलोगे तो ग्राउंड में तो यह आप अपने चेहरे पर लगा लेना हाथों पर लगा लेना तो ये चीज़ें बहुत बड़ा एक मेजर जो है वो पार्ट अदा करती हैं हमारी रोज़मर की रूटीन में अच्छा तो गुल आपको लगता है कि सबसे मेजर रोल जो है वो सन का है सन कि कि का। जब धूप हमारी स्किन पे लगती है हमारी स्किन ज़्यादा एक्सपोज होती है धूप को तब पिंपल्स का बढ़ना शुरू हो जाता है पिम्पल्स का और वो एक्निक जो कहते हैं जो छाइयाँ हैं इसी से पड़ती हैं क्योंकि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो अब तो ये कहते हैं कि अगर आपको निकलना बहुत ही जरूरी है इवन पाकिस्तान में भी दोपहर को हम लोग कोई जाते हैं बाहर शॉपिंग वगैरह करने के लिए नहीं जाते ना जब थोड़ी सी ढल जाता है सूरज तब वहाँ पे रौनक शुरू होती है शाम को बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने जाते हैं और फिर मेरे ख्याल में बाजारों में भी बहुत रौनक होती है वहां पे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा और मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव बात वहां पे ये है कि दोपहर लेट आफ्टरनून में रश शुरू होता है एंड देन इट गोज ऑन टिल क्वाइट लेट इन द दाइट व्हिच इज वेरी ऑपोजिट मैं जब mm -hmm. यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई तो मुझे ये बिल्कुल मरी की तरह लगने लगा क्योंकि मरी में भी जब आप जाते हैं स्पेशली वो जीपीओ मरी रोड की तरफ तो um, जो पांच बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं mm. और फिर सबको दे हैव टू गो बैक टू द होटल्स मोटेल्स एक्सेट्रा यहीं पर भी मुझे वही चीज़ नज़र आई कि पाँच बजे तो आई मीन छः बजे तो सब कुछ बंद हो जाता है एवरी इज़ क्लोज सिवाय हमारी जो मेन सुपर मार्केट्स हैं जो कि आई डोंट थिंक के, के वहाँ पर जाना चाहिए mm. uh, अफरा तफरी के लिए uh, लेकिन यह है कि यह आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पाकिस्तान में बाद में शुरू हो जाता है चार बजे पाँच बजे के बाद वहाँ पे गहमा गहमी शुरू होती है आप तुम लाहौर में जब जाओ औरीगा में चले जाओ और प्लाजा खुले हुए हैं तो रात गए तक वहाँ पे रौनक रहती है बिल्कुल लोग बाहर निकलते हैं बच्चों को लेके शॉपिंग करते हैं उनको बाहर उनकी तफरी गाह में लेके जाते हैं उनको खिलाते पिलाते हैं एक तो आपकी आउटिंग भी हो जाती है लेकिन दोपहर के वक्त मैंने किसी को नहीं देखा कि वो अपने आप को इतनी गर्मी में वो लेके तो बाहर नहीं, निकलते नहीं लेकिन यहाँ पे मेरे हाल से वी डोंट रियली हैव एन ऑप्शन क्योंकि अगर जाना है तो दोपहर के वक्त ही जा सकते हैं वरना अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल वो भी ठीक है लेकिन उसमें यह है कि आप अपनी लुक आफ्टर कर सकती हैं इस तरह कि आप जा रहे हैं बाहर आप सन के नीचे वॉक नहीं करें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक साइड पे शेड होता है शेडो आ जाता है ना सन किसी बिल्डिंग की वजह से किसी तरफ से तो जो आप उस सड़क पे जा रही होती हैं आप उस साय में चलें अंडर सन के नहीं चलें आप और दूसरी बात ये कि जो ही आप घर से बाहर निकलें आप अपने चेहरे पे प्रोटेक्टिव जो क्रीमें आजकल निकली हुई हैं एस पी एफ मतलब जो भी है वो आप लगाएं और इसमें जितनी इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही वो आपकी स्किन को ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा गुल आपने अभी थोड़ी देर पहले नींद के बारे में बताया कि समर्स में जो हमारी स्किन को मुख्तलिफ इशू से दो चार करना पड़ता है होना पड़ता है उसमें नींद का भी एक फैक्टर प्ले रोल प्ले करता है मेजर है ये भी अच्छा मेजर है तो लैक ऑफ स्लीप या एडिक्सी ऑफ स्लीप क्या आप इसका एक्सप्लेन कर सकती हैं कि हाउ डज इट इफेक्ट स्किन बिल्कुल देखो जब आपको रात को पूरी रात नींद नहीं आएगी या आप लेट सोने के आदी हैं जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी स्किन फ्रेश नहीं होती आप बेशक उसके ऊपर क्लेंजर लगाएं उसको टोन करें उसके ऊपर मेकअप करें बट स्टिल इट लुक डल ठीक है और एक आप ये भी करके किसी दिन देख लें कि आप बड़ी अच्छी नींद आई है बड़े प्यार से आप बड़ी पता नहीं कौन से आप हुआ देखते रहे <laughs> और सुबह को जब उठे आप बड़े फ्रेश फ्रेश आप मतलब बड़े खुश खुश तबीयत आ जाती और जो आप जाके अपना चेहरा देखते हैं शीशे में तो आपके थे वाओ आज कैसी चमक है फेस पे आज ज्यादा फ्रेंड्स के पास जाना चाहिए जाना चाहिए <laughs> कि मतलब मेरे चेहरे पे बड़ी फ्रेशनेस आई है ना कहीं है, है। तो स्लीप का इसमें मुबीन काफी मतलब हद तक मेजर पार्ट इसका स्लीप का भी हमारा है कि कुछ लोग हैं जो कि दोपहर को बेचारे नहीं सो सकते कुछ लोग हैं जो आधा घंटा पौना घंटा घंटा के लिए सो हाँ जी यही मेरा सेकंड uh, क्वेश्चन था आफ्टरनून नैप्स का कि आफ्टरनून नैप्स जो हैं बहुत ज्यादा लोग नहीं करते कुछ लोग हैं जो कि समर्स के दौरान स्पेशली लंच के टाइम के बाद जरूर एक नाप लेते हैं चाहे वो दस मिनट की हो बीस मिनट की हो घंटा या आधा घंटा के हो तो क्या इसका भी असर हमारी स्किन पर आता है इन अ पॉजिटिव वे और जो लोग नहीं कर पाते क्या वो किसी नुकसान का शिकार होते हैं फिर के नहीं मेरे ख्याल में यहाँ पे तो हमारी औरतों को मेरे ख्याल में मुश्किल से ही नसीब होती होगी कि वो दोपहर को सो सकती है ज़ाहिर है जहाँ पे आ जाता है दोपहर का टाइम वहाँ पे उन्होंने बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है सही बात है तो यहाँ पे इन बेचारी को हमारी औरतों को यहाँ पे नैप्स किया तो वो तो बेचारी पाँच मिनट वो बैठ नहीं सकते नहीं, इतनी हमारा जो लाइफ स्टाइल और बिजी लाइफ हो गई है लेकिन हम ये जरूर कोशिश कर सकते हैं कि रात को जरा अपने टाइम पे जल्दी हम सोने के लिए चले जाएं बिस्तर पे आ, मतलब ये कि अगर नींद नहीं भी आ रही तो कोशिश जरूर करनी चाहिए कि मतलब आप आपको जो चीज़ पसंद है अगर आप टीवी देखना चाहते हैं तो किसी वक़्त ये होता है कि टीवी ऑन है तो आप देखते देखते आप सो गए हैं कई लोग जो हैं उनका मशला है, ये है उनका शौक है हैबिट है सोने से पहले वो बुक पढ़ते हैं तो वो कहते हैं हम पढ़ तो रहते हैं लेकिन पढ़ते पढ़ते नींद नींद आ जाती है और वो वैसे बड़ी मीठी नींद होती है क्योंकि ये।, ये आदत मेरी भी है नहीं। मैं नहीं सोच सकती जब तक मैंने बुक ना पढ़ी हो अच्छा। अगर मुझे बहुत सख्त नींद भी आई हो मैं जाऊंगी लेटूंगी लेकिन एक बुक मेरे साथ होनी चाहिए मैं दो ही पेजेस पढ़ूंगी लेकिन पढ़ के ही मुझे बहुत अच्छी नींद आती है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड हैबिट गुल एक और जो मेरे जहन में um, एक इशू आया है वो आई थिंक माइट हैव अ रोल टू प्ले इन द द हेल्थ ऑफ आस्क स्किन टेंशन डिप्रेशन इसके बारे में आप क्या कहेंगी ये भी आपने बिल्कुल सही बोला है कि डिप्रेशन हो टेंशन हो एग्जाइटी हो स्ट्रेस हो दे ऑल कम ऑन योर फेस जो आपके इनसाइड है वो आपके आउटसाइड ज़ाहिर हो जाएगा अच्छा कुल uh, हमारे जो नॉर्मली स्ट्रेसेस क्या होते हैं हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड स्ट्रेसेस होते हैं जिनको हम डोमेस्टिक इश्यूज़ के नाम से भी जान जानते हैं hmm. और आई थिंक दीज आर मेन स्ट्रेस गिवर्स या टेंशन मेकर्स सबसे ज़्यादा टेंशन हमें इन्हीं से होती है इसके अलावा हमारी वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस होती हैं um, इन दोनों को साइड पर रखते हुए ठीक है अगर इनसे टेंशन मिल रही वो हमारी स्किन पे नज़र आ जाएगा लेकिन क्या ऐसी भी स्ट्रेसेस हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती लेकिन उनका हमारी स्किन पर असर है जैसे फॉर एग्जांपल एक ख़ातून है जैसे आपने अभी बताया कि हम बहुत बिजी लाइफ यहाँ पे गुजारते हैं वो सुबह उठती हैं सवेरे उठ के बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती हैं फिर आके नाश्ता बनाना खाना बनाना घर की सफाई करना ग्रोसरीज लाना बाज़ार से हस्बैंड के भी ख्याल रखना फिर वापस बच्चों को ला उनको खाना देना फिर उन्हें मॉस्किया किसी और क्लासेस में लेके जाना तो क्या इससे भी ऐसे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकते हैं विच कैन हैव अ नेगेटिव ऑन स्किन देखो इस पे हेल्थ पे पड़ता है आपके क्योंकि सारा दिन आपकी लाइफ एक ऐसे है जैसे वो टैक्सी सर्विस है बिल्कुल शोफर्स, शोफर्स बने रहते हैं और ख़ास करके औरत की ठीक है मर्द हजरात जो हैं वो जाते हैं जॉब पे जाते हैं वो जॉब करके आते हैं घर तो वो कहते हैं ओह मैं काम करके आया और मैं थका हुआ हूँ ठीक है लेकिन औरत बेचारी जो वो सारा दिन सर्विस करती रही है इन एंड आउट इन एंड आउट फिर उसने घर में सारी कुकिंग वगैरह करनी है फिर उसने बच्चों की देखभाल करनी है घर के जो हमारे काम रोज़मर्रा जिंदगी में होते हैं वो उसने करने हैं तो ये सारा दिन वो बेचारी थक जाती है वो अपने लिए एक पाँच मिनट नहीं निकाल सकती और इसमें वो अपने आप से क्या अपने आप से वो दूर होती जाती है तो आपको गुल लगता है कि इस तरह के स्ट्रेस हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह के स्ट्रेस कंट्रोल कर सकते हैं देखें योगा क्लासेस भी हैं बाहर आप उनमें जा सकते हैं आप जैसे थोड़ी देर के लिए चलें अगर नहीं आप जा सकती घर से बाहर कम से कम पाँच दस मिनट पंद्रह मिनट अपने लिए निकाल लें अपने आप को बिल्कुल फ्री माइंड कर लें ये नहीं कि आप शोर गुर में जाके बैठे अपने कमरे में चली जाए mm -hmm. थोड़ी देर थोड़ी सी मेडिटेशन करें, yeah, करें बिल्कुल अपने ना माइंड से शुरू हो बॉडी को बिल्कुल relax relax ले करें कि इस वक्त मैं किसी भी काम में नहीं हूँ कोई भी सोच मेरे दिमाग में नहीं है कुछ नहीं है वो पाँच दस पंद्रह मिनट जो आप अपनी बॉडी को देंगे ना वो उसके लिए वो भी बहुत है mm -hmm. क्योंकि वो आपको रिलैक्स कर रहे हैं आप अपने मसल अपनी वो क्या कहते हैं पूरी बॉडी को आपकी ना रिलैक्सेशन हो रही है आपके नर्वस सिस्टम जो है आपकी वो भी रिलैक्स हो रही हैं कि उस वक़्त आपके ब्रेन में कुछ नहीं है आप अपने आप को उस वक्त कॉन्सनट्रेट कर रही हैं ये हमें देना चाहिए अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम अगर औरतें अपने लिए कोई थोड़ा सा टाइम निकाल सकती हैं वो ज़रूर अपने आप को किसी चीज़ में रखें बिजी रखें बिजी रखें।, रखें जैसे किसी को शौक है अपनी दोस्तों से मिलने का नहीं। मगर वो टाइम निकाल सकते बिल्कुल टाइम निकाले वो नहीं जा सकती उसकी दोस्त उनके पास आ जाए कप शप करने से आपका माइंड जो है वो उस चीज से हट जाएगा जिससे थोड़ी देर पहले आप परेशान थी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने आ, सही बात की और आई होप के मेरे व्यूअर्स ने ये बात नोटिस कर ली हो और इस बात को समझ लिया हो क्योंकि हमारे सामने दो ही किस्म के टेंशनस सामने नज़र आते हैं या हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड और या हमारे वर्क रिलेटेड प्रेशर्स लेकिन जैसे कि अब हम हमने डिस्कस किया देर खुड बी अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस दैट वी कॉन्ट सी हम उनको रिकगनाइज़ नहीं करते क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं जैसे कि हमारी बिज़ी लाइफ लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए टाइम निकालें चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो जैसे कि अभी गुल ने हमें बताया इट कुड बी जस्ट ट्वेंटी मिनट्स टेन मिनट्स हाफ एन आवर और इट कुड बी एनी थिंग ज़रूरी नहीं है कि आपने बाहर जा के शोर गुल में ही वो टाइम गुजारना हो आप अपने कमरे में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं यू कुड रीड अ बुक दैट रिलैक्सिस यू और जॉइन अ क्लास वंस अ वीक दैट कुड बी बेनीफिशल टू योर हेल्थ क्योंकि जब हमारी स्किन पर ये स्ट्रेस दिखना शुरू हो जाता है तो ये सिर्फ हमें ही नहीं सबसे पहले औरों को दिखना शुरू हो जाता है हमने बहुत दफ़ा देखा होगा कि एक ऐसी खातून होंगी जो कि दो शी डज़ेंट सफ़र फ्राम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस लेकिन उनका चेहरा ज़रा सैग हो गया होगा उनके चेहरे पे वो रौनक सॉफ्ट एंड सपलनेस नहीं होगी जो कि एक स्किन की होनी चाहिए वो शाइन नहीं होगी वो हेल्थ नहीं नज़र आएगी और हम जल्दी से अज्यूम कर लेते हैं कि शी प्रोबली इज़ गोइंग थ्रू सम वेरी डिफ़िकल्ट टाइम इनको कोई टेंशन है इनके घर में हो सकती है इनके काम से रिलेटेड हो सकती है तो रादर देन मेकिंग दिस डिडक्शन ऑफ पीपल ये बातें सुनने से अपने आप को टाइम दें और सिर्फ स्ट्रेस वही सिर्फ बुरा नहीं है हमारी स्किन के लिए जिससे हमारी स्किन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है बल्कि हम खुदा ने हमें मुख्तलि किस्म के निज़ाम हमारी बॉडी में बनाए हैं रेस्परेटरी सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और ख़ुदा न खासा कि अगर इन सब निज़ामों में से किसी निज़ाम में भी थोड़ी सी भी ख़लल आ गई तो उसका भी इफ़ेक्ट हमारे चेहरे पर नज़र आना शुरू हो जाता है तो इसी लिए आई अंडरस्टैंड कि हम अपने घर के काम अपनी फैमिलीज़ को अपने प्रोफेसन्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं लेकिन वी कैन ओनली बिकम द बैकबोन्स ऑफ आर फैमिली अगर हम अपने आप को हेल्दी और स्ट्रांग रखें सो प्लीज फट दैट डाउन इन योर नोट गुल अब मैं आपको चलती हूं एक ऐसे और टॉपिक की तरफ जो कि समर्स में अभी समर्स आया नहीं होता जो वो हमें दिखना शुरू हो जाता है और वो है सन ब्लॉक्स या सनस्क्रीन का जब समर्स शुरू होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स मैगज़ीन्स में टीवी पर दिखना शुरू हो जाते हैं hmm. uh, अब सुपरमार्केट जाएंगे तो एक पूरी आयल होगी जो कि मुख्तलफ किस्म के सनब्लॉक से भरी पड़ी रहेगी अब इन सनब्लॉक में एक चीज कॉमन होती है एक तो इन पे एसपीएफ लिखा होता है और उसके साथ एडजोइनिंग एक नंबर होता है यूजुअली आई हैव सीन दिस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 आई थिंक दे गो अप टू 20 या yeah, 15 नो no, 15 20 uh, 30 30 اس ویل एंड 45 ओके हाइस्ट इज अ फिफ्टी अच्छा तो आप मुझे ये बताएं कि विग्नीफिक्स ऑफ द एस पी एफ एंड दंबर एस सॉरी एस पी एफ सन प्रोटेक्शन फैक्टर है S, uh, sorry, uh, SPF, uh, factor, right? जी राइट right? और ये आपको सन से पलूशन से हर चीज़ से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है mm -hmm. और इसके साथ नंबर जो है नंबर जो है जितनी भी इसमें स्ट्रेंथ जो है ना वो ज़्यादा होगी उतना ही ये आपकी बेनिफिशियर आपकी स्किन के लिए अच्छा तो आ, अब हमारी स्किन के लिए आपको क्या लगता है कि विच नंबर इज़ अप्रोप्रिएट फिफ्टी फिफ्टी तक क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50 मिलता है लेकिन यहाँ से जब आप बाहर किसी दूसरी कंट्री से यहाँ तो से हूं, तो पे 100 है। अच्छा, 100? 100. मैंने, वो मैं पूछती रही हूँ लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ से कहीं से भी नहीं हंड्रेड मिलेगा अच्छा तो ये पाकिस्तान में जो सनस्क्रीन होते हैं तो क्या इनमें भी हंड्रेड तक कैपेसिटी होती है या इनका क्या नो, no. क्यों? क्योंकि uh, मैंने एक्चुअली 17 ईयर्स मैंने बेल्जियम में स्पेंड किए हैं ठीक है तो बर्सल में हम रहते थे अच्छा जो कैपिटल है वहाँ का वहाँ से आपको हंड्रेड जो है ना वो मिलती है और हंड्रेड जो है ना वो ये है कि जैसे पूरी आपकी ना वो स्किन को पूरी तरह से मतलब प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट करती है, है। अच्छा सन से पोल्यूशन से uh, गर्मी से जो भी है अच्छा गुल आप ये बताइए कि सन ब्लॉक को कितना रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेली बेसिस लेकिन एक दिन के हिसाब से आप मुझे बताइए एक दिन के हिसाब से ये है कि जब जब तो समर शुरू हो जाता है ठीक है ना आजकल भी मेरे ख्याल में हमें यूज़ करनी चाहिए ये नहीं देखना चाहिए कि वो भाई बादल आए हुए हैं सन तो पीछे छुपा हुआ है थोड़े से बादल हट जाएंगे सन निकलगा नहीं जब भी आप घर से बाहर निकलें जाने से पहले सन प्रोटेक्शन आप अपने फेस पे लगा के फिर घर से बाहर निकले और ये एक थिन लेयर होनी चाहिए कि थिक लेयर लगानी चाहिए नहीं थी, वो एक तो मिलती है क्रीम दूसरा एक होता है लोशन स्प्रे और तीसरा एक ए, स्प्रे होता है स्प्रे बच्चे बड़ा पसंद अच्छा, करते हैं इजी होता है उनको उनका ये तो लेकिन ये है कि इसमें वाइट भी है और इसमें फाउंडेशन कलर भी है तो हमारी लेडीज के लिए मेरे ख्याल में फाउंडेशन भी बहुत बेहतर रहेगा बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें आपको कोई मेकअप करने की जरूरत, जरूरत नहीं होती है अच्छा, आप अच्छा। वो लगा लें और उसके ऊपर कोई फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है बाकी आप जैसा अपनी रूटीन में मेकअप करते हैं आंखों पे लिप पे वट तो वो करके आप जा सकते हैं अच्छा और आप ये देखें कि अगर वो ट्वेंटी है या मतलब ट्वेंटी बहुत कम हो जाता है उसकी स्ट्रेंथ तो अगर फिफ्टी है तो बड़ी हद हाँ वो तीन तीन चार घंटे वो आपका चल जाएगा ठीक है ठीक है उसके बाद फिर आप उसको यूज करें और ये होना चाहिए कि एक आपके बैग में होनी चाहिए और दूसरी घर में अच्छा ताकि हमेशा रेगुलरली आपके इस्तेमाल में हो बिल्कुल आप फिर छाइयों से अच्छा। भी बच सकते हैं आप पिंपल से भी बच सकते अच्छा। हैं और जो ब्लैक हेड्स वगैरह हैं उनसे भी आप बच सकती हैं अच्छा गुल आपसे कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं ईमेल के थ्रू तो उसका भी अब जवाब हम देखेंगे कि क्या होता है लेकिन अब आई थिंक इट्स टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल सी यू इन वन टू थ्री